नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबर द न्यूज। देश भर में कोरोना से जुड़े हुए मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और सबसे ज्यादा इजाफा महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में इसी परिणाम को देखते हुए कोरोना वायरस के प्रति जो सख्त रवैया सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है और जिसके चलते नागपुर में एक आदेश जारी करते हुए समस्त प्रकार के रेहाड़ी लगाने वाले, चाहे वो पान की गुमठियां लगाने वाले हों या फिर पानी पूरी बेचने वाले या फिर जो तो मांस मदिरा की दुकानों पर, हर जगह पर रोक लगाते हुए पुलिस ने सीधा आदेश जारी किया है कि आगामी 3 दिन तक पान की दुकानों, पानी पूरी बेचने वालों और इसके साथ ही साथ मांस की दुकानों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाती है और ये दुकानें नहीं खोली जाएंगी। साथ ही साथ आमजनों को भी कहा गया है कि कम से कम बाहर निकलें और जहाँ तक ज़रूरत हो वहाँ तक घर से बाहर निकलने से बचें। आइए देखते हैं ये वीडियो, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। सभी आम जनता को सूचना है, खासकर पान ठेले चालक, जितने भी पान ठेला चलाते हैं उन सभी को सूचना है, पान ठेले चालक पाव भाजी, पानी पूरी, अंडा बेचने वाले, चिकन बेचने वाले, इन सभी को सूचना है कि आज से, अभी से उनको अगले 3 दिन तक अपनी दुकानें टोटली बंद रखना है। गौर से सुनिए, पान ठेले चालक, पाव भाजी विक्रेता, पानी पूरी ठेला, अंडा बेचने वाले, बिरयानी चिकन बेचने वाले, तंदूर वगैरह जो बेचते हैं, इन सभी को सूचना है कि अभी से अपनी दुकानें अगले 3 दिन तक टोटली बंद रखना है, 18, 19 और 20 तक। और आम जनता से भी सूचना है, कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह खड़े न रहे, बैठे न रहे। आम जनता के लिए सूचना है कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह खड़े न रहे, बैठे न रहे, अन्यथा आपके ऊपर भी कार्रवाई का आदेश है। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।